अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आज मैं बात करने लगा हूँ सुजुकी GD110S के बारे में, जो कि 2022 का न्यू मॉडल आया है। इसका रिव्यू करते हैं, इसकी A to Z इंशाल्लाह आपको स्पेसिफिकेशन को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके फ्रंट के ऊपर। फ्रंट से हम इसका टायर शुरू करेंगे। तो इसमें जो टायर साइज़ है 2x15 का, इसके अंदर फ्रंट टायर है जो कि 17 इंचज़ के अलॉय रिंग के साथ आता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा शॉक्स की तरफ जाएं, तो शॉक्स इसमें हमें काफ़ी मज़बूत और टेलीस्कोपिक शॉक्स इसके मिल जाते हैं, काफ़ी मज़बूत टेलीस्कोपिक शॉक्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तो हमें ड्रम बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। फ्रंट फेंडर की अगर बात करें, तो सॉलिड बॉडी कलर्ड हमें प्लास्टिक में जो सा है वो इसका फेंडर मिल जाता है। उसके बाद हमें इसकी फ्रंट के ऊपर काफ़ी अच्छी और बड़ी क्रिस्टल ग्लास हेडलाइट मिल जाती है, जिसके अंदर हमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, और एक ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा पार्किंग बल्ब भी मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत वाइज़र इन्होंने दिया हुआ है, वाइज़र के ऊपर भी खूबसूरत से ग्राफिक्स लगे हुए हैं। इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल हैं, नॉन ब्रेकेबल हैं। उसके बाद हम इसकी असेंबली की तरफ आ जाते हैं, या मीटर की तरफ आ जाते हैं। मीटर के अंदर हमें इसका स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है, किल स्विच का हमें बटन मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ है, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, और इस तरफ देखें तो हमें इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट हाई लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, और पास का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा हमें इसकी चोक भी यही मीटर असेंबली में ही मिल जाती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए, तो फ्यूल टैंक इसका 9 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, जो जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म के गोल्डन ब्लैक और काफ़ी खूबसूरत यूनिक सा कॉम्बिनेशन सिल्वर के साथ दिया हुआ है। इसके ऊपर ये सिल्वर में आपको सुजुकी मिल रहा है, गोल्डन ब्लैक और ये रेड का टच देकर GD110 इस पर लिखा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत ग्राफिक्स हैं, साइड कवर के ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं। सीट की कुशनिंग की बात अगर की जाए, तो सीट इसकी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा कुशादा, दूसरी मोटरसाइकिलों से थोड़ी सी लंबी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देख सकते हैं कि मैं हल्का सा इसको प्रेस कर रहा हूँ और इसकी सीट काफ़ी अंदर तक जा रही है, जिसका मतलब है कि इसमें कुशनिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। इंजन की तरफ बल्कि मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ, इस तरफ ज़रा लाइट का इशू बन रहा है, दूसरी तरफ पे चलते हैं। इसके इंजन की बात करें, तो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ओवर हेड कैम शाफ्ट इंजन पर इसका इंजन बेस है। ओवर हेड कैम शाफ्ट होने की वजह से इसके अंदर बलंसर भी दिया गया है। अब बलंसर आप सोच रहे होंगे कि बलंसर क्या चीज़ होती है। बलंसर की वजह से हाई RPM के ऊपर जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो बलंसर होने की वजह से इस पर हाई RPM पे भी अगर आप जाते हैं, तो आपको 0% वाइब्रेशन देखने को मिलती है, यानी कि वाइब्रेशन बिल्कुल भी बाइक आपका नहीं करता। बोर और स्ट्रोक की बात की जाए, तो इसका 51.0 mm का बोर है इसके अंदर, और स्ट्रोक की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर हमें 55.2 mm का हमें, यानी कि 55.2 mm का हमें इसमें बोर मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम जो सा है इसका, वो कार्बोरेटर बेस है, और इसका जो कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्बोरेटर इसका बटरफ्लाई है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है पेट्रोल एवरेज के लिहाज से। अगर इसकी मैं आपको फी लीटर पेट्रोल एवरेज का आइडिया दूँ, तो 50 से 60 किलोमीटर तक पेट्रोल की एवरेज देने की ये सलाहियत रखता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो ज़मीन से लेकर, यानी कि इस पाइप तक, जो इसके फ्रेम का पाइप है, तो इसकी जो हाइट बनती है ग्राउंड क्लियरेंस की, वो 100.13 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो सी है वो ग्राउंड क्लियरेंस बनती है। इग्निशन सिस्टम की बात की जाए, तो इसके अंदर जो इग्निशन सिस्टम लगा हुआ है वो CDI यूनिट है, CDI यूनिट पर बेस करता है। गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए, तो 4 गियर्स हैं इसके अंदर, जो कि फ्रंट फॉरवर्ड गियर है, 4 गियर हैं और चारों ही फ्रंट फॉरवर्ड गियर ट्रांसमिशन इसका बेस करता है। स्पीड और पिक की बात करूं, तो 110 cc इंजन की कैटेगरी के अंदर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इससे बेहतर और कोई बाइक हो सकता है।
तो मैं तो इसको ही रेकमेंड करूँगा, आगे आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिस भी ब्रांड की तरफ जाएं। इसके बाद अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो मीटर पे तो कंपनी ने इसका मीटर दिया 120 तक, लेकिन जहाँ तक मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है तो 100 टू 105 और हवा अगर पीछे से आपका साथ दे रही हो तो 110 तक जाने की ये सलाहियत रखता है किलोमीटर पर आर। उसके बाद बैक पे थोड़ा सा आ जाते हैं, बैक पे आते हैं तो हमें इसका जो स्विंग आर्म देखने को मिल रहा है ये निस्बतन दूसरे मोटरसाइकिलों से इसका स्विंग आर्म थोड़ा सा लंबा है, और उसके साथ आपको एडजस्टेबल रेयर शॉक्स मिल जाते हैं जो कि स्विंग आर्म टू फ्रेम जैसी एडजस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल आपका मज़ीद बेहतर हो जाता है। उसके बाद अगर इसके चैन कवर की बात करें तो चैन कवर काफ़ी मज़बूत क्वालिटी का दिया गया है, जो कि बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी गेज के अंदर, बहुत ही अच्छी चादर मोटाई के अंदर इसका जो चैन कवर दिया गया है। साथ ही इसके जो उनसे है रिट्रैक्टेबल जो उनसे है वो हमें फुट रेस्ट मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है, डबल स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमें इसका जो रेयर साइड पे आते हैं तो रेयर पे हमें इसकी एक चेकिंग मिल जाती है जिसके ऊपर आप सामान अपना कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा इसका सीट काउल आप देख सकते हैं। रेयर लैंप की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो सा है ये लैंप इसका बल्ब बेस है, और उसके रेयर फेंडर की अगर बात की जाए तो रेयर फेंडर इसका प्लास्टिक बेस है जो कि काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है और नॉन ब्रेकेबल है। एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट इसका सारा पाउडर कोटेड है, पाउडर कोटेड होने के साथ साथ इसके ऊपर जो सा है वो क्रोम की फिनिशिंग या क्रोम प्लेट भी दी गई है जो कि इसको मज़ीद इसकी ब्यूटी को इन्हांस कर रही है। अच्छा, इसके इंजन की मैं आपको बताता चलूं कि इसका इंजन जो सा है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों पर बेस करता है। इसका साउंड भी आपको सुनवाते हैं और इसकी प्राइस भी जो सा है वो आपको बताते हैं, वो साउंड सुनवा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इसका स्विच भी जो सा है वो हैंडल के अंदर ही है, तो आप इसको हैंडल लॉक भी जो सा इसी स्विच से ही कर सकते हैं। तो इसमें ये स्विच ऑन किया, न्यूट्रल का ऑप्शन आ गया, किल स्विच को आप देख लेंगे कि किल स्विच ऑफ ना हो, किल स्विच ऑन कर लिया, उसके बाद आपने जस्ट हल्का सा इसको सल्व करना है और ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। साउंड मैं आपको इसका सुनवा देता हूँ। साउंड वगैरह भी जैसे कि आप लोगों ने इसका सुन लिया है, और लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ड्राइव वेट जो सा है वो 108 kg इसका ड्राइव वेट है। तो बैटरी साइज़ है वो 12N5BS का इसमें बैटरी साइज़ दिया गया है। प्राइस की बात करूँ तो 212,000 रुपये यकम जून 2022 से इसकी प्राइस है। आप अगर इसको बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने शोरूम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगा, तरीक़ाकार आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बुक भी करवा सकते हैं और इसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।